अभी हम बनाएंगे पिन विंग रोल। उसके लिए हमारे पास 1 कप आटा है, इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून जीरा है, साबुत जीरा। मिक्स करेंगे, ऑयल डालेंगे, वो भी हमारे पास 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे इसमें। मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके एक डो बनाएंगे, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं होगा, थोड़ा हार्ड होगा। क्योंकि हम इसे रोल बनाएंगे इसलिए सॉफ्ट डो नहीं होगा, अगर सॉफ्ट करेंगे तो रोल नहीं बनेंगे। डो हमारा रेडी है, मेसा ही चाहिए। इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके ढक के रख देंगे, 30 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। ये जो हमने डो बेला था ये रेडी है, अब इसकी हम रोटी बनाएंगे। थोड़ा सूखा आटा डालेंगे, इसको रोटी की तरह बेलेंगे। ये हमने पूरी रोटी बेल ली है। ये हमारे पास आलू हैं 2, उसमें थोड़ा हरा धनिया और 1 टी स्पून उसमें सॉल्ट और 1 टी स्पून उसमें रेड चिली पाउडर और सूखा हुआ धनिया 1 टी स्पून डाला हुआ है। मिक्स करके ये इसका सारी रोटी के ऊपर फैला देंगे। ये हमने पूरा लगा लिया है आलू इस पे, अब हम इसे रोल करेंगे। ये रोल हो गया पूरा, कोनों को थोड़ा अंदर दबाएंगे। छुरी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता कट लगाएंगे और पीसेस में काट लेंगे। ये हमारे पास 2 टेबल स्पून मैदा है, थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बनाएंगे। इस तरीके का घोल बनाएंगे। ये हमारा रेडी हो गया और ये हमारी विंग्स भी रेडी है, ऑयल भी हमारा रेडी है, फ्राई करेंगे। हमने पैन में ऑयल रख के गरम कर लिया है, हमारा ऑयल गरम है। अब ये जो हमने घोल बनाया है इसमें ये अपने विंग्स डालेंगे घोल में इस तरह। और फ्राई करेंगे इस तरह, सारे डालते जाएंगे और फ्राई करेंगे। ये हमारे फ्राई हो गए हैं, प्यारा सा कलर भी आ गया है इनके ऊपर। अब जो जो हमारे पक गए हैं उसको हम निकाल देंगे। ये बिल्कुल तैयार हैं, एक प्यारा सा कलर आ गया है इसके ऊपर। हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है। हम लोग जो भी चीज़ फ्राई करते हैं लो फ्लेम पे ही करते हैं। अगर फ्राई
लो फ्लेम पे नहीं करेंगे, हाई कर देंगे फ्लेम तो ये जल जाएंगे। इसलिए जो भी चीज़ फ्राई करें लो फ्लेम पर ही करें। तकरीबन हमारे सारे बन गए हैं, हम निकाल देंगे सबको।